हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसमें ना आज के लेक्चर में मैं बता दूंगा कि कंसंट्रेशन डिफरेंट नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो प्रैक्टिकल्स में मोस्टली हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है कि 0.1 नॉर्मल HCl है, H2SO4 है, 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड है, अगर ये प्रिपेयर करना है तो एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट जो है 0.1 नॉर्मल HCl, ये है 0.1 नॉर्मल H2SO4 और ये है 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड HNO3। तो किस तरह से बनाते हैं, फर्स्ट बात करते हैं HCl की। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना है, 36.5। बेसिसिटी दैट मींस कितने H पॉजिटिव आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है, वो बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी HCl का कितना है, 1 H पॉजिटिव है तो इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा, तो 1। दैट मींस इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा 36.5। सेकेंडली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब जी अपॉन ई हो जाएगा और ये है वॉल्यूम। सो द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी इज जी अपॉन ई इंटू वी। और हम लोगों को कितना वेट लेना है कंपाउंड का वो ढूंढने के लिए जी को हम लोगों ने साइड में रखा और ये एन ई और वी लिया। अगर हम लोगों को 250 ml सॉल्यूशन बनाना है 0.1 नॉर्मल का, इसके अकॉर्डिंगली कितना भी बना सकते हैं, 500 ml, 1000 ml, कितना भी बना सकते हैं। मैंने बेसिक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया 0.1 नॉर्मल HCl बनाने के लिए। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले तो ये कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मेलिटी कितना अपने को चाहिए, 0.1 नॉर्मल चाहिए, 36.5 अपना E है, वॉल्यूम अपना 0.250 लीटर्स है, ml को लीटर्स में कन्वर्ट किया, 250 ml 0.250 ml हुआ, सॉरी लीटर्स हुआ। तो ग्राम कितना मिला कैलकुलेशन करके, 0.9125। तो 0.9125 ग्राम्स ऑफ HCl को लेना है 250 ml ऑफ वाटर में, तो ये हो जाता है 0.1 नॉर्मल HCl। उसी तरह से अगर 0.1 नॉर्मल H2SO4 बनाना है, सेम कैलकुलेशन रहेगा, बेसिसिटी यहाँ पे 2H है तो 2 आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 49 आएगा, सेम कैलकुलेशन यही फॉलो करना है, तो 1.225 ग्राम्स मिलेगा। तो 1.225 ग्राम्स ऑफ H2SO4 250 ml वाटर में डिसॉल्व करना है, मिक्स करना है और जो मिलेगा वो रहेगा 0.1 नॉर्मल H2SO4 250 ml के लिए। अकॉर्डिंगली 1 लीटर 500 ml जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राम्स चेंज करते रहना। फिर सेम थिंग 0.1 नॉर्मल HNO3 के लिए, उसका मॉलिक्यूलर मास है 63, बेसिसिटी एक एच है 1, तो इक्विवेलेंट वेट 63 मिला। सेम फॉर्मूला जो यहां पे यूज किया था 250 ml के लिए, 0.1 नॉर्मल HNO3 यूज करना है, उसका कैलकुलेशन किया तो 1.575 ग्राम्स आया। तो ये 1.575 ग्राम्स 250 ml के लिए 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए लगेगा। तो 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड के लिए 250 ml में 1.575 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड मिक्स करना होगा, तब जाके 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बनेगा। तो उसी तरह से 500 ml, 1000 ml के अकॉर्डिंगली तुम लोग चेंज कर सकते हो। तो ये नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बता दिया यहाँ पर।